आज के प्रैक्टिकल में आपको ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना सिखाएंगे। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अभी अपने पास ट्रांसफार्मर ये थ्री फेज का है, इसमें तीन ट्रांसफार्मर जुड़े हुए एक ट्रांसफार्मर ये होगा, दिख रहा है ना पीछे, प्रत्येक ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का है। इसको जोड़कर अपन क्या बना दिया, इसका थ्री फेज का। अपन केवल सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के बाद कौन सा लॉस का पता लगता है कि ये इसमें कौन सा कितना लॉस है, ताम्र लॉस। ताम्र लॉस कहां होता है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। और ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वाट मीटर चाहिए, एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, अपने पास ट्रांसफार्मर है। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं कि इसमें वाट मीटर कैसे जोड़ना है। ये वाट मीटर है और ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए आपको एक तो चाहिए वाट मीटर और एक चाहिए वोल्ट मीटर, एक चाहिए एमीटर और एक चाहिए आपको ट्रांसफार्मर। अब इसका संयोजन कैसे करना, आपको एक फेज वायर लेना है, एक न्यूट्रल वायर लेना, एक लगाना आपको वाट मीटर। वाट मीटर में चार टर्मिनल पॉइंट होते हैं, एम एल सी और वी। फेज वायर उठाना है और कहां देना आपको, एम में, और एम के साथ इस सी को क्या कर देना है, कॉमन कर देना है। न्यूट्रल वायर उठाना है, ये जो वी टर्मिनल है इसको किससे जोड़ना आपको, न्यूट्रल वायर से, ये न्यूट्रल वायर है। और अब लाइन के लिए आपको एल से निकालना है, ये फेज वायर निकल गया। फेज वायर कहां दिया, एम में, एम के साथ कौन सा टर्मिनल कॉमन हो गया, सी, और एल से तो निकाल लिया फेज और वी को कर दिया न्यूट्रल से कनेक्ट। अब कौन सा मीटर आपके पास, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल आते हैं, एक को जोड़ना फेज से, दूसरे को न्यूट्रल से। अब लगाना आपको एमीटर, एमीटर में भी दो टर्मिनल आते हैं, ये फेज के श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, तो किसी भी साइड में जो फेज आ रहा है उस साइड में श्रेणी क्रम में एमीटर लगा देंगे। अब ये फेज आ गया, ये न्यूट्रल आ गए। अब आपके पास होना चाहिए ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार का हो, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, उसकी एक तो होती है लो टेंशन साइड, लो वोल्टेज साइड, एक होती है हाई वोल्टेज साइड। तो ये टेस्ट किस में किया जाता है, हाई वोल्टेज साइड में। उच्च वोल्टेज साइड वाली वाइंडिंग में क्या करना है, फेज और न्यूट्रल को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, और निम्न वोल्टेज वाली साइड को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। निम्न वोल्टेज वाली साइड में कम टर्न होते हैं, कम टर्न हो गए, तो ये तो अब कनेक्ट हो गई, तो ये तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको आपको शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट हो गई तो ये शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक। अब इसका मान आपको देखना है, अपने पास जो ट्रांसफार्मर है इसकी इनपुट साइड 400 वोल्ट है और आउटपुट साइड 230 वोल्ट है, तो ये निम्न वोल्टेज साइड हो गई, ये उच्च वोल्टेज साइड हो गई, ठीक है। अब इस इनपुट वोल्टेज से का मान का कितना, 5% सप्लाई देनी है इसको, इसका 5% कितना हो गया, 20 वोल्ट, कितना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इस प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे और सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे। तो ये मीटर भी रीडिंग दिखाएगा, अपना जो वाट मीटर है ये भी रीडिंग दिखाएगा, वोल्ट मीटर भी दिखाएगा और एमीटर भी दिखाएगा। ये वाट मीटर जितनी रीडिंग दिखाता है वो ताम्र लॉस होगा, आ गई बात समझ में, ये जो वाट मीटर दिखाए वो ताम्र लॉस है। अगर वाट मीटर में सही आपको रीडिंग नहीं मिल रही है तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है पी बराबर आई आर, इसका फॉर्मूला होता है पावर ज्ञात करने की। और जो ये तामर लॉस हो या कॉपर लॉस हो, दोनों लॉस किस माप में मापे जाते हैं, वाट में। अब ये अपने पास ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर काम में लेंगे अपन, ठीक है। अब इसका संयोजन देख लो एक बार, वोल्ट आप बता रहे हैं कि 5% लेना है और 5% ही देना है इसको। 5% के लिए अपन क्या लगाएंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की ये इनपुट साइड है, इसको अपन सिंगल फेज 230 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इसके मान को कम करेंगे और कितना वोल्टेज बनाएंगे, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट ये अपना आउटपुट ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट। अब इसमें ये तो है न्यूट्रल और ये है फेज, कनेक्ट हो गया। अब फेज वायर को कहां देना आपको, इस वाट मीटर के एम टर्मिनल में, ये एम टर्मिनल में दे दिया, एम टर्मिनल से सी टर्मिनल को कॉमन कर दिया। अब एक वायर निकालेंगे फेज का, वो कहां लगा दिया, इस एमीटर में, कहां लगा दिया एमीटर, इसके एक टर्मिनल पर लगा दिया। दूसरे टर्मिनल से निकालेंगे दूसरा वायर और कहां लगा दिया, वोल्ट मीटर में, और ये अपने पास क्या हो गया, आउटपुट में फेज वायर हो गया। अब न्यूट्रल निकालना आपको, न्यूट्रल वायर लेंगे इस ऑटो ट्रांसफार्मर से, ये न्यूट्रल वायर निकला, इसको वाट मीटर के वी टर्मिनल से जोड़ दिया, वी टर्मिनल से वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर समांतर में जुड़ता है, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके ये वायर न्यूट्रल वायर निकाल दिया। अब ये 3 मीटर है, इसको यहां कर दे कनेक्ट, पीछे लगा दे इसको कुछ, और ये हो गया वोल्ट मीटर, ये हो गया एमीटर, तीनों मीटरों की क्या हो गए, संयोजन हो गए। अब अपने पास दो वायर हैं, एक फेज का है दूसरा न्यूट्रल का। अब ये ट्रांसफार्मर देखो, इसमें निम्न वोल्टेज साइड और उच्च वोल्टेज साइड कौन सी है, ये 400 वोल्टेज है और ये 230, तो अपने को कौन सी वाइंडिंग लेनी है काम में, उच्च वोल्टेज वाली, उच्च वोल्टेज 400 है, इसमें एक तो जोड़ देंगे फेज और एक जोड़ देंगे न्यूट्रल। ये फेज जोड़ दिया और ये न्यूट्रल जोड़ दिया। अब ये अपना ऑटो ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट पर सेट है, सेट कर दिया इसको ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको, चेक कब करना आपको, ट्रांसफार्मर कनेक्शन करने से पहले। ये कनेक्शन हम हटा देते हैं एक बार, और इसका 5% कितना देना है, 5% लगाओ इसमें। ये मल्टीमीटर है, इसमें आप जो मान दे रहे हो इसको 5% वो दर्शाएगा, यह है 20, 21, आ गया 20, 21, ठीक है, ये 20 5% दे दिया इसको। अब क्या करना आपको, ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टेज साइड को 5% सप्लाई, कहने का मतलब 20 वोल्ट देना है। अब एक वायर लेना आपको और इस वायर से इस सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, तभी तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण होगा। ये कर दिया इसको शॉर्ट। अब अपन इसको 5% सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो मीटर में रीडिंग आ रही है, देखो वाट मीटर में दिखा रहा है कुछ, वाट मीटर, ये किलो वाट मीटर है, इसमें रीडिंग देख नहीं पाएंगे अपन। एमीटर में भी कुछ मान है, वोल्ट मीटर भी 12 वोल्ट को नहीं दर्शाएगा, 100 से स्टार्ट है, और ये एमीटर में भी कुछ मान है, तो इसका मान अपन निकालेंगे डिजिटल मल्टीमीटर से, और करंट का वोल्टेज का मान तो निकालेंगे अपन इस मल्टीमीटर से, कितना वोल्टेज आ रहा है, 20 वोल्टेज। एक क्लैंप मीटर से अपन करंट का मान निकालेंगे, ये क्लैंप मीटर है,
इससे अपन करंट का मान ज्ञात करेंगे। करंट का मान आ रहा है 0.08 एम्पियर, और ये आ रहा है वोल्टेज का मान 19 20 वोल्टेज। तो इसकी तामरानी का मान कितना होगा, कितना होगा तामरानी का मान, कैलकुलेशन करो, 0.08 को 20 वोल्ट से इसका मान कितना आया 1.6 वाट। हमेशा लॉस को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। करंट का माप ये तो है तामरानी, क्या है कॉपर लॉस, और आयरन लॉस कितना आया था इसका 24 वाट। आयरन लॉस ज्यादा है ना और तामर लॉस कम है, ठीक है। ये तामर लॉस तो क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है, जबकि आयरन लॉस क्या होता है, फिक्स होता है। आगे ये बात समझ में, वो नियत रहता है और ये बढ़ता रहता है लोड के अनुसार, कॉपर लॉस का मान बढ़ता रहता है। तो आप ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सफल हो गए हो, कर सकते हो आप अपने हिसाब से।